धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो। धर्म क्या है? आज के समय में धर्म को बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले धर्म के लिए हमने एक रॉन्ग परसेप्शन तैयार कर रखा है। धर्म नाम आते ही हमारे मन में आता है एक मंदिर, एक मस्जिद, हाथ में घंटी, आरती, ये धर्म है। यह है रॉन्ग परसेप्शन। उसके बाद रॉन्ग परसेप्शन के बाद आ जाता है रॉन्ग डिस्क्रिप्शन। धर्म को गलत तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है और फिर अंत में रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन। इस तरीके से उस धर्म को पेश कर दिया जाता है, उसके अर्थ इस तरह से बता दिए जाते हैं कि धर्म का पूरा मतलब ही बदल जाता है। और खासकर हिंदू धर्म, जो धर्म सारे विश्व को धर्म की परिभाषा दे सकता है, वही धर्म अगर धर्म निभाना भूल जाए तो समझना चाहिए कि अब धर्म संकट में। धर्म निभाने की अगर सबसे पहली जिम्मेदारी किसी के ऊपर है तो वो सनातनियों के ऊपर है, सनातन धर्म के ऊपर है, क्योंकि यही धर्म ऐसा है जो युगों से चलता आया है और युगों तक चलता रहेगा। आज तक ना इसको रावण मिटा पाया, ना कंस मिटा पाया, ना कोई दैत्य मिटा पाया। इस धर्म को बचाने का दायित्व आप हम सब के ऊपर है। आज जितने भी लोग आप यहां आए हैं, अच्छी बात है आप कथा से जुड़े, कथा सुनने के लिए आए, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपको जितनी कथा आवश्यक है उससे ज्यादा जरूरी है आपके बच्चों को कथा से जोड़ना, उनको धर्म से जोड़ना। और धर्म से जोड़ने का मतलब सिर्फ प्रेशर देना नहीं कि नहीं नहीं तुझे करना पड़ेगा, नहीं नहीं तुझे ऐसा ही करना है। उनको सही तरीके से समझाइए, सही रास्ता अपना करके समझाइए। आजकल के बच्चों में बुद्धि कम हो ऐसा नहीं है। देखो, 4-5 साल जन्म लेते ही सबसे पहले तो उनका फेसबुक पर अकाउंट बन जाता है। कौन कहता है बुद्धि नहीं है? लेकिन अब वो बुद्धि को किस रूप में आगे बढ़ाना है वो हम पर निर्भर है। सही मार्ग, सही रास्ता देना वो हम पर निर्भर है। आज जहां जिस भारतीय धर्म में, जिस सनातन धर्म में, जो सनातन धर्म सारे विश्व को धर्म की शिक्षा देता है, जिसको विश्व गुरु कहकर के पुकारा गया है, अगर वही सनातनी लोग अपने धर्म से विचलित हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो धर्म कैसे बचेगा? इसलिए प्रयास करें कि पहली बात अपने घरों में धर्म की शुरुआत करें, अपने घरों में भगवत गीता पढ़ना आरंभ करें। कोई भी व्यक्ति धर्म पर भाषण तब दे सकता है जब उसने अपने धर्म के ग्रंथों को पढ़ा। और अधिकांश हमारे हिंदू धर्म में यही गलती है कि हम धर्म पर बातें तो बहुत बनाते हैं लेकिन धर्म के जो शास्त्र हैं उन्हीं को नहीं पढ़ा। भगवत गीता कोई नहीं पढ़ा और अपने आप को हिंदू घोषित कर देते। यहां कितने लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी हुई है स्वयं से? जितनों ने नहीं पढ़ी उनसे प्रार्थना है कि घर जाइएगा, पहले तो घर में होती नहीं भगवत गीता, ग्रंथ ही नहीं मिलता। मैं आप पर कोई ऐसा नहीं कि कोई कटाक्ष है, ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन घर में ग्रंथ होगा तो एक ना एक दिन उसको खोलने का भी मन करेगा। और गलती से भी किसी दिन हाथ लग गया और खोल के एक श्लोक भी पढ़ लिया तो
भगवद गीता ऐसा शास्त्र है जो एक श्लोक भी जीवन परिवर्तन कर सकता है।